खरगोन जिले की निजी स्कूलों में पालकों से मनमर्जी की फीस वसूली जा रही है। ऐसा ही मामला कलेक्टरेट में आया। पालक शिकायती आवेदन लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और समस्या निवारण को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामला खरगोन जिले की गोकुलदास पब्लिक स्कूल का है। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि जहां विद्यार्थियों के अभिभावकों से ट्यूशन फीस के नाम पर मनमर्जी फीस वसूली जा रही है, जिसके विरोध में पालक सड़कों पर उतरे और प्रशासन को अवगत कराया। इस दौरान पालकों ने बताया कि कोरोना काल से स्कूल का अध्यापन कार्य लंबित है और पैसा ऐंठने और पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन वीडियो डाल दिया जाता है, जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। शिक्षा विभाग के नियम अनुरूप पालकों ने एकजुट होकर प्रशासन को समस्या से अवगत कराया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पालकों को भारी भरकम स्कूल फीस से किस हद तक निजात मिल सकेगी। इससे पहले भी और भी प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक इस तरह की शिकायती ज्ञापन लेकर कलेक्टरेट पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक पालकों को किसी भी प्रकार की फीस में कोई राहत नहीं मिली है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।